हेलो फ्रेंड, दिस इज बिहान। अगर आप HPSSC जूनियर ऑफिस असिस्टेंट अकाउंट की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप ऑडिट जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और HPG की आपका जो हेडक्वार्टर है हमीरपुर में है, ठीक है। अगर कोई हमसे मिलना भी चाहता है ऑफिस में आके, ठीक है, तो भी आपका मोस्ट वेलकम रहेगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर बता देता हूँ कि ये जो सीरीज आपकी रहेगी, पहले तो हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस बेस्ड जितना भी आपका क्वेश्चंस रहेगा, ठीक है, जो एग्जामिनर ने आपके एग्जाम में पूछा उस बेस के ऊपर आपका जितना भी रिलेटेड एक्सपेक्टेड रहेगा इस सीरीज में हम कवर करने वाले हैं। और साथ में आस्किंग अदर एग्जाम, मतलब उस टॉपिक से अदर एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चंस पूछे गए, ये क्लिक बेट रहता है आपके हमीरपुर बोर्ड को टैकल करने का, ठीक है। देखिए, पहले मैं आपको एक और चीज यहां पर क्लियर कर देता हूं कि अगर आप क्रैश कोर्स ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पर आपको अकाउंट का बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस मिलने वाला है, जिसमें ये सारे टॉपिक्स क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, ठीक है। गवर्नमेंट टीचर्स हैं अकाउंट के, इसलिए इन्होंने बहुत ही नॉमिनल सा चार्जेस आपके लिए रखा है, लेकिन HPG की आपकी तरफ से ये अकाउंट की फीस आपसे नहीं ली जाएगी, ठीक है। मतलब आपको GK सेक्शंस का ही पे करना होगा सिर्फ 599 में। ये आपका चाहे अकाउंट की तैयारी कर रहे हैं या फिर ऑडिट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट इसमें आपका कवर हो जाएगा। और ये जो आपका वैलिड रहेगा, ड्यूरेशन रहेगी, ये आपके तब तक रहेगी जब तक आपको कोई सरकारी जॉब मिल नहीं जाती। मतलब वन टाइम है, 599 रुपये में ये आपको टैकल करना है गवर्नमेंट जॉब के लिए, ठीक है। ज्यादा जानकारी आपको यहाँ पर व्हाट्सएप पे मिल जाएगी, क्लियर। अब देखिए क्वेश्चंस के ऊपर आएंगे। क्वेश्चंस यहाँ पर क्या कहता है, क्वेश्चंस पहला ये है और ये अकाउंट के क्वेश्चंस में पूछा गया है। यहाँ पर ये है कि एन एग्रीमेंट विच इज इम्पॉसिबल टू परफॉर्म इज, देखिए एग्रीमेंट टॉपिक हमने कैच करना है, एग्रीमेंट। अब देखिए यहाँ पर जो आपके वैलिडिटी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ठीक है, एग्रीमेंट्स हैं, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपका वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स हो गया, ठीक है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स हो गया आपका, ठीक है। अब देखिए वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स की बात हो रही है या फिर अगर मैं बात करूँ एग्रीमेंट की, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये कन्फ्यूज़ होता है कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स और एग्रीमेंट क्या ये सेम है, इसके बारे में भी आपको बता दूंगा। एक आपका होता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स हो गया आपका, ठीक है, एक आपका इलीगल कॉन्ट्रैक्ट हो गए, अनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए, ये कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ठीक है, ये एग्रीमेंट्स हैं, ये आपको क्लियर करने पड़ेंगे। और यहाँ से जो जितने भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ से इस टाइम बेस्ट 50 क्वेश्चंस जो है वो एडवांस लेवल पे हैं, जहाँ से आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर पहले मैं आपको थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ, ठीक है, मैं सभी एग्रीमेंट्स के बारे में बता देता हूँ, ठीक है। देखिए अंडर सेक्शन 56 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑल्सो नोन एज डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन, एन एग्रीमेंट टू डू एन एक्ट इम्पॉसिबल इन इटसेल्फ इज वॉइड। आपको समझ नहीं आया होगा, आपको मैं बिल्कुल इजी लैंग्वेज में यहां पर समझाने की कोशिश भी करूंगा एग्जाम्पल के जरिए, ठीक है। देखिए अंडर सेक्शन की धारा 56 के तहत जिसे निराशा के सिद्धांत के रूप में भी जाना जाता है, दैट इज मीन आपका डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन, ठीक है। मैं थोड़ा सा और आपको अच्छे तरीके से यहाँ पर क्लियर करवाने की कोशिश करता हूँ। चलिए पहला पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें आपका है, आपका बनता है आपका वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, जिसमें आपका है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, ये अच्छे से कर लेना दोस्तों। पहले ये कॉन्ट्रैक्ट बनता है, ठीक है, पहले ये कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, बनेगा, लेकिन बाद में ऐसे हालात हुए, ऐसे सरकमस्टांसेस हुए, ऐसे कुछ भी ऐसी घटना हो गई जिससे ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, वॉइड हो गया, जिससे ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, वॉइड हो गया, मतलब अब ये कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स नहीं किया जा सकता है, ठीक है, अब ये कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स नहीं किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल के जरिए यहां पर बिल्कुल फनी वे में थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं इसका एग्जाम्पल, ठीक है। मान लीजिए अजय देवगन है, ठीक है, अजय देवगन कॉन्ट्रैक्ट करता है किसके साथ, वो कॉन्ट्रैक्ट करता है बिमल कंपनी के साथ, ठीक है, किसके साथ करता है, बिमल कंपनी के साथ। बिमल कंपनी के साथ क्या कॉन्ट्रैक्ट करता है कि भाई देखिए मुझे यहां पर जुआ केसरी के 25,000 पैकेट चाहिए, ठीक है, मुझे कितने पैकेट चाहिए, 25,000 पैकेट चाहिए, किसके, जुआ केसरी के, मुझे भाई 25,000 पैकेट चाहिए। यहां पर बिमल कंपनी क्या कहती है कि ठीक है भाई आपको 25,000 के जुआ केसरी के पैकेट हम आपको दे देंगे। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये कब हुआ, मान लीजिए ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ आपका 1 नवंबर को, कब हुआ, 1 नवंबर को ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ। अब देखिए यहां पर बिमल कंपनी कहती है कि देखिए हम ये आपका टारगेट जो है, यानी कि
हम आपको प्रॉमिस देते हैं और ये एग्रीमेंट में हम लिखते हैं कि हम ये टारगेट आपको 10 नवंबर तक दे देंगे, यानी कि 10 नवंबर तक आपको आपके माल की डिलीवरी यहाँ पर हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर सरकार, भारत सरकार क्या करती है, उसी कुछ दिन के बाद, यानी कि मान लीजिए आज 5 नवंबर है, ठीक है, 5 नवंबर को क्या करती है, 5 नवंबर को वो क्या करती है कि बैन लगा देती है कि जो भी पान गुटखा कंपनी वाली कंपनियां ये सेल परचेज करती है, ठीक है, अब ये इस टाइप का कोई भी धंधा नहीं कर पाएंगी। यानी कि सभी प्रकार के आज से, आज रात 12 बजे से इस टाइप के सभी प्रोडक्ट्स बंद किए जाते हैं, बैन किए जाते हैं। अगर कोई भी उल्लंघन करता है या पकड़ा जाता है तो उसको 15 साल की जेल होगी और साथ में 100 करोड़ रुपए का जुर्माना उस कंपनी को देना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, अब यहाँ पर क्या हुआ, 1 नवंबर को कॉन्ट्रैक्ट होता है कि ठीक है जी हम 25 मुझे चाहिए 25,000 जवा केसरी के पैकेट चाहिए। विमल कहता है ठीक है जी 10 नवंबर को हम आपको आपके माल की डिलीवरी कर देंगे, 5 नवंबर को ये बैन हो जाते हैं, ये प्रोडक्ट ही बैन हो जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये आपका हो गया वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, ये आपका हो गया वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और वॉइड एग्रीमेंट में डिफरेंस है, ठीक है, ये भी मैं आपको क्लियर करवा दूंगा। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में कह दिया, पहले ये कॉन्ट्रैक्ट बनता है लेकिन बाद में ऐसे हालात हुए कि ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो चुका है, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स नहीं किया जा सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम यहां पर बात करते हैं वॉइड एग्रीमेंट की, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट हमने देख लिया, अब हम यहां पर बात करेंगे वॉइड एग्रीमेंट की बात करेंगे, ठीक है। अब देखिए वॉइड एग्रीमेंट कहता क्या है, इसको भी अच्छे से समझ लेना, और अगर आपके कोई भी डाउट्स रहते हैं, क्वेश्चन रहते हैं, तो आप सिंपली व्हाट्सएप डाल सकते हैं, ठीक है। वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है, जो शुरुआत से वॉइड होते हैं, ठीक है, जो शुरुआत से वॉइड है, ठीक है, ये कभी एनफोर्स नहीं हो सकते हैं, इसको हम वॉइड एवनिशियो भी कहते हैं, क्या कहते हैं, वॉइड एवनिशियो भी कहते हैं, क्या कहते हैं, वॉइड एवनिशियो भी कहते हैं एग्रीमेंट को, ठीक है। दोस्तों इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हमें ये बताया गया है कि आप किसी को भी धंधा करने से रोक नहीं सकते हैं, भारत का निवासी कहीं पे भी किसी भी राज्य में जाके अपना व्यापार कर सकता है, उसमें किसी भी तरह की कोई भी रोक टोक नहीं हो सकती है। अब आपने करना कि आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से हैं, जिस भी गाँव से हैं, शहर से हैं, जहाँ से भी आप हैं, जल्दी से आप अपने माइंड में आप अपनी मार्केट को यहाँ पर एनालाइज करो, आपके नज़दीक कोई भी मार्केट है, ठीक है, जल्दी से वो पिक्चर आपके माइंड में आ जानी चाहिए, क्योंकि तो एग्जाम्पल है, बहुत प्यारा एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर देने वाला हूँ, ठीक है। अब देखिए आपकी मार्केट में एक बहुत बड़ा शोरूम खोलने वाला है, ठीक है, एक बहुत बड़ा शोरूम खोलने वाला है, किस चीज़ का, कपड़े का, बहुत बड़ा शोरूम खोलने वाला है, ठीक है। लेकिन वहां पर होता क्या है, हो सकता है कि उस शोरूम में ब्रांडेड कपड़े, लोकल बेस के कपड़े, या फिर लोगों को उस नेचुरल सी बात है, शोरूम खुलेगा तो लोगों को, जो लोकल बेस के लोग होंगे उनको रोजगार भी मिलेगा, ठीक है। तो बहुत बड़ा इन्वेस्टर वहां पे इन्वेस्ट करने जा रहा है, ठीक है, मतलब बहुत बड़ा शोरूम वहां पे खोलने वाला है। लेकिन अब यहां पर होता क्या है कि आपके मार्केट से कोई बहुत ही बड़ा धनी व्यक्ति, उससे भी धनी व्यक्ति, ठीक है, जिसका पहले से ही प्लान है वहां पर शोरूम खोलने का, लेकिन वो खोल नहीं पाया, या फिर कोई कारण ऐसे हुए, या फिर उसके ऑलरेडी बहुत सारे शोरूम है, ठीक है, बहुत इतना धनी व्यक्ति है, वो क्या करता है कि जहाँ पे शोरूम खुलने वाला है वो उनको एडवांस में क्या कहता है कि भाई साहब देखिए आप यहाँ पे शोरूम मत खोलिए, मैं आपको यहाँ पर 100 करोड़ रुपया देने को तैयार हूँ, कितना, 100 करोड़ रुपया देने को तैयार हूँ, और आप यह शोरूम मत खोलिए। हो सकता है कि वो जो धनी व्यक्ति है उसके पहले से बहुत सारे शोरूम हो सकता है कि उसका कोई प्लान हो वहाँ पर शोरूम खोलने का, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, अब ये हो गया आपका वॉइड एग्रीमेंट, ठीक है, क्या हो गया, ये वॉइड एग्रीमेंट हो गया, ठीक है, क्लियर है, जो शुरुआत से वॉइड होते हैं, दैट इज मीन वॉइड एग्रीमेंट। अब देखिए यहां पर एक आपका रहता है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है, एक आपका रहता है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स यहां पर, ठीक है, देखिए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ है, ठीक है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ है, जिसमें सभी एसेंशियल टर्म एंड कंडीशंस बिल्कुल पूरी तरह से क्लियर है, दैट इज मीन आपके वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए, ठीक है। तो ये ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपका जो इंपॉर्टेंट रहता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वॉइडेबल जो आपका कॉन्ट्रैक्ट्स है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, किसकी बात करूं मैं यहां पर, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जो किसी पार्टी के सहमति से नहीं हुआ है, ठीक है, मतलब जबरदस्ती करवाया गया है, या फिर
कोई फ्रॉड किया गया है या फिर चीज़ों को किसी तरह से पेश करके बस एग्रीमेंट साइन यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट जो वो करवा लिए गए हैं, वो आपका हो गया वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स। एक बहुत ही सिंपल सा मैं आपको डेफिनेशंस बता देता हूँ, ठीक है, डेफिनेशंस को कैसे क्लिक करना है अगर बनता है, ठीक है। अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स इज वन इन विच ऑफ द पार्टीज इज इंजर्ड, ठीक है, इंजर्ड By the defect and the injured party, injured or injured party, that is mean आपका voidable contracts. Example से मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ voidable contracts का, clear? Voidable हम यहाँ पर clear कर रहे हैं, voidable contracts का मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। मान लीजिए शाहरुख खान है, ठीक है, मैं बहुत ही फनी ट्रिक्स से समझाने की कोशिश करूँ तो कि आपको पता चले, ठीक है। शाहरुख खान है, अमिताभ बच्चन के पास जाता है, ठीक है, किसके पास जाता है, अमिताभ बच्चन के पास जाता है कि देख अमिताभ बच्चन, मुझे तेरी सारी प्रॉपर्टी चाहिए, बिल्कुल पूरी तरह से मुझे ये सारी प्रॉपर्टी चाहिए और ये सारे का सारा मेरे नाम कर दे, ठीक है, यानी कि पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो मेरे नाम कर दे, ठीक है, अपनी प्रॉपर्टी का पूरा जितना भी है। अब यहाँ पर अमिताभ बच्चन है, वो क्यों देगा भाई शाहरुख खान को, ऑलरेडी किंग है, ठीक है। अमिताभ बच्चन वहां पर मना कर देता है कि सॉरी नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर होता क्या, शाहरुख खान को गुस्सा आता है, गन पॉइंट पे पूछ लेते हैं, गन तान देता है वो, ठीक है, कि देख मुझे अपनी प्रॉपर्टी सारी दे दे, ठीक है। लेकिन अमिताभ बच्चन बोलता है कि तू ये चाहे मार दे, मैं नहीं दूंगा। अब यहाँ पर क्या होता है, शाहरुख खान को फिर गुस्सा आता है, वो अभिषेक बच्चन को उठा लेता है, अभिषेक बच्चन को उठा लेता है, मतलब करोड़ों की जायदाद को उठा लेता है, अरबों की जायदाद को उठा लेता है, अमिताभ बच्चन का बेटा है अभिषेक बच्चन। अमिताभ बच्चन क्या करता है कि भाई मैं तो झुग्गी झोपड़ी में रह लूंगा, सड़कों पर रह लूंगा, लेकिन मैं अपने बच्चे को छुड़वा लूंगा, ठीक है। और उस तरह से क्या करता है अमिताभ बच्चन, क्या करता है फिर कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है, मतलब वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है वो, ठीक है। लेकिन यहां पर अमिताभ बच्चन क्या करता है कि कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद कुछ ही दिन में वो कहाँ पहुंच जाता है, पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। पुलिस स्टेशन में जाके वो पूरा किस्सा बताता है, ठीक है, पूरा का पूरा सेगमेंट बताता है, पूरी की पूरी हिस्ट्री बताता है कैसे क्या हुआ, और उसके बाद वो बन जाता है आपका वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि जबरदस्ती से किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट, वो हो गया आपका वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल से मैं आपको समझाने की कोशिश की थी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सिंपल सी बात है, चाहे मैं कॉशन की बात करूँ, कॉशन क्या होता है आपका दबाव, वर्ड आ सकता है आपका, ठीक है, कॉशन, ठीक है, इसके एग्जाम्पल है, कॉशन से किया गया है आपका, चाहे फ्राउड किया गया है, मिस कोई भी रिप्रेजेंटेशन अगर आपका किया गया, मतलब कुछ भी चीज़ें दिखा करके, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या है आपकी, ये सारी चीज़ें आपकी हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स के अंडर ही आती हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ से अगर मैं एक एक क्वेश्चन को डिस्कस कराऊंगा, देखिए 12 मिनट यहाँ पर हो चुके हैं, मतलब यहाँ से अगर मैं 50 क्वेश्चन है और भी इंपॉर्टेंट, ठीक है, जो सिर्फ आपको सिर्फ पढ़ने हैं, ठीक है, आपको सिर्फ पढ़ने हैं, ठीक है, इसके वीडियो कोर्सेज अकाउंट का नहीं रहता है, लेकिन अगर आपने क्वेश्चंस अच्छे से लगा लिए, पढ़ लिए, ठीक है, क्योंकि हर चीज़ को हम यहाँ पर एनालाइज करने वाले हैं, पर डे क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं, और साथ में सारा का सारा जीके सेक्शन है जिसमें आपको कम से कम 500 से ज़्यादा टेस्ट आपको मिल जाते हैं लगाने के लिए। जीके सेक्शंस तो पूरा कवर होगा आपका, ठीक है, चाहे नोट्स है, एमसीक्यूज है, मॉक पेपर है, प्रीवियस पेपर है, जीके सेक्शन में आपको क्लियर है कि 80 क्वेश्चंस आएंगे, जहां से अगर आप कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं, सिर्फ 599 रुपये फीस है, ठीक है। 60 क्वेश्चंस की तो गारंटी हमारी रहती है, 60-65 क्वेश्चंस की तो पूरी पूरी लिखित गारंटी आपको रहती है कि इतने क्वेश्चंस आपके एग्जाम में जीके के बन जाएंगे, ठीक है। अगर आप कॉमर्स का अकाउंट का अगर आप लेना चाहते हैं, ठीक है, 120 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें हम कम से कम आपको ये प्रॉमिस दे सकते हैं कि आपका एग्जाम काफी अच्छा हो सकता है, जिसमें कम से कम 100 क्वेश्चंस तो आपको कोर्सेज से देखने को मिल जाएंगे। अगर ये क्वेश्चंस अगर आपने कर लिए, ठीक है, तो मेरिट लिस्ट कट ऑफ और मतलब सरकारी नौकरी आपके हाथ में, ठीक है। तो व्हाट्सएप एक बार जरूर कर लेना अगर आप जूनियर ऑफिस असिस्टेंट अकाउंट या फिर ऑडिट जैसे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो, ठीक है। और ये अकाउंट का जितना भी एमसीक्यूज रहेगा, सरकारी टीचर हैं, ठीक है, अकाउंट के, ठीक है, काफी एक्सपर्ट हैं, यही आपको क्वेश्चंस अपडेट करने वाले हैं अकाउंट और ऑडिट से रिलेटेड। बाकी जीके सेक्शंस हमारी टीम आपको प्रोवाइड कर देगी, क्लियर। फिर भी कोई भी डाउट्स आते हैं, क्वेश्चन आते हैं इन एग्जाम से रिलेटेड, सिंपली आप नॉर्मली व्हाट्सएप डाल सकते हैं। चलिए इसके साथ जय हिंद, जय हिमाचल।